दोस्तों आज कोडियो में हम बात करने वाले सॉलन के एपिसोड 219 के प्रयोग पर। तो वीडियो को पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन करेंगे। जैसे ही हमारा प्रयोग स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हम देखते हैं दोबारा से टैंक्सन को। उसी टेकोन को पकड़ा होता है और उसके साथ उनमें से काफी ज्यादा गोल्डन लाइन निकल रही होती है। और उसके साथ टैंक्सन के बैक पर हम लोग उसी टैंक्सन के युवक को देख सकते हैं, जिसके साथ टैंक्सन कहता है पूरी दोलोन कॉन्टिनेंट का सबसे ज्यादा प्राउडेस्ट क्लैन है। हम लोग सिर्फ अपने क्लैन को ही ग्लोरी नहीं करेंगे बल्कि उसके साथ हम लोग दोबारा से दोलोन कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। जिसके साथ नेक्स्ट टाइम देखते है एक चार आदमियों को चारों क्लैन के गेट के बाहर बाव करते हुए दिखाया जाता है। जिसके साथ हम नेक्स्ट में दोबारा से देखते हैं टैंक्सन को। जैसे वो अपने गोल्डन हैमर की टोकन को बाहर निकालता है उसके साथ सारे अल्ट टैंक्सन के सामने झुक जाते हैं। उसके साथ हम देखते हैं दोबारा से जैसे टैंक्सन अपने हाथों को हटाता है उसके साथ टैंक्सन के हाथों में से सी गॉड के लाइट ग्लो करने लगते है। जिसके साथ नेक्स्ट में देखते है टैंक्सन और टैंक्सन को, जहाँ पर टैंक्सन से कहता है मुझे हमेशा इस बात का यकीन था टैंक्सन दोबारा से तुम्हारी इस कंडीशन को ठीक करेगा, इसके लिए कितना भी टाइम क्यों ना लग जाए। और उसके साथ टैंक्सन उन दोनों सोलबोन को निकाल कर टैंक्सन दे देता है। और इसके साथ ही नेक्स्ट में दोबारा से देखते हैं टैंक्सन अपने पावर के अंदर को रिक्वायर करना स्टार्ट कर देता है और वो दोनों सोल बोन को उनकी टूटे हुए अंगे के साथ जोड़ना स्टार्ट कर देता है। जिसके साथ ही नेक्स्ट में दोबारा से देखते हैं टैंक्सन को, जहाँ पर उसको एल्डर लागवा द्वारा बनाए गए वेपन को दे देते है। और ये दोनों वेपन ऐसे थे, ये दोनों वेपन कुछ ऐसे थे जिसको टैंक्सन से बनाना काफी ज्यादा मुश्किल था। इसे सिर्फ एल्डर लागवा द्वारा ही बनाया जा सकता था, जिनमें से पहला वेपन का नाम पीकॉक पैदर होता है और सेकंड वेपन का नाम बुद्धा पेयर लेटस होता है और दोनों पानी बना दिया होता है। और उसके साथ टैंक्सन पूछता है एल्डर लागवा हमारे साथ मौजूद क्यों नहीं है और वो कहाँ पर है। जिसके साथ हमें बैकग्राउंड में एक आवाज आते हैं लागवा के इस वेपन में कोई भी सिल्वर निडल क्यों नहीं है। जिसके साथ हम नेक्स्ट में देखते हैं टैंक्सन इस वेपन को टेस्ट करता है जिसके इफेक्ट काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। जिसके साथ हम नेक्स्ट में देखते हैं वार की व्यू को, जहाँ पर एम्परर सुबैंग अपने सोल्जर को लेकर वार पर निकल पड़ा होता है। अभी के इनके पास मिलियंस में सोल्जर मौजूद होते हैं और उसके साथ बाकी के सारे स्ट्रगडोल भी इसमें मौजूद होते हैं। जिसके साथ हम नेक्स्ट में देखते हैं एम्परर सुबैंग को, जो की कहता है हमारे जीने और मरने का फैसला वार के बाद ही हो जाएगा। जिसके साथ हमारा ये ट्रेलर यहाँ पर कंप्लीट होता है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अनदर वीडियो में।